डॉक्टर अर्चना आत्महत्या मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है घटना के विरोध में, तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोकारो के डॉक्टरों ने निजी एवं सरकारी सभी तरह के ओपीडी सेवाओं को सुरक्षा को लेकर बंद कर दिया है। डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान करने के मांग को लेकर 12 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार कर सरकार को संकेत दिया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी गई है। आज 2 अप्रैल 2022 को हम लोग झारखंड IMA और झारखंड हेल्थ सर्विस के आह्वान पर कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग, ऐसे तो ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हम लोग पिछले कुछ दिनों में जो घटना हुई उसके चलते हम लोग आहत हैं, प्रभावित हैं। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि राजस्थान के दौसा जिला में एक लालसोट गांव है, वहाँ पर ये डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके हस्बैंड एक अस्पताल चलाते थे। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि डॉक्टर, सब लोग नेता लोग बोलता है कि डॉक्टर लोग गांव में नहीं जाता है, और उन लोग दंपति सरकारी नौकरी छोड़ के अपने गांव में अपने पैतृक घर में जाके अस्पताल खोला और अस्पताल चला रहे थे बढ़िया से। इसी बीच एक घटना हुई कि एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया, जो कि महिला चारों तरफ सभी अस्पताल से निराश हो चुकी थी। इवन जयपुर में भी उसका लोग ऑपरेशन नहीं कर किया, और ऐसा है कि उसके पूर्व में भी वो डॉक्टर अर्चना मिश्र शर्मा उसके ऑपरेशन किए थे पहले बच्चा में, तो उनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने रख लिया और ऑपरेशन किया गया, बच्चा हुआ। और संजोग से कॉम्प्लिकेशन हुआ जो सब कोई जानता है, ये फेमस कॉम्प्लिकेशन है, PPH हुआ और अक्सरा हुआ, वो महिला नहीं बच सकी। और उसके बाद उसके पति ने कहा कि ठीक है हमको गाड़ी दे दीजिए, हम लोग घर ले जाएंगे। वो बेचारे डेड बॉडी को घर ले गया, लेकिन वहाँ पर उपस्थित कुछ नेता लोग उसके पीछे पड़ गए, कुछ पत्रकार लोग भी थे कि नहीं चलो तुमको हम लोग मुआवजा बहुत दिलाएंगे, ऐसे करेंगे। और डेड बॉडी को लेकर अस्पताल में आके हंगामा करने लगे और प्रदर्शन करने लगे। इस बीच पुलिस आई और एडमिनिस्ट्रेशन आके डॉक्टर पे ही वो मुकदमा दायर कर दिया। जबरदस्ती, जैसा इसमें भी कहा गया है कि ज़बरदस्ती उससे लिखवा के केस कराया गया और 302 का मुकदमा किया है, जो कि नहीं करना है किसी भी पुलिस प्रशासन को। डॉक्टर के अगेंस्ट में बिना जांच के 302 का मुकदमा नहीं करना है, जिसके चलते जो डॉक्टर बहुत ही एक मेधावी डॉक्टर थी, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट थी, बहुत संजोग से रांची से ही पढ़ी थी, वो उसको बहुत कष्ट लगा। अब उसमें मरमाहत हो गई, सदमा लगा कि हम इतना काम किए उसके बाद भी हमको एकदम सुरक्षित नहीं, लोग अपने जान जोखिम में लेकर काम कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। हाँ, भी सभी जगह हो रहा है, राजस्थान क्या सभी जगह हम लोग, मैंने ऐसा काम करने में लगता है कि हम लोग डॉक्टरी छोड़ दें डॉक्टरी। अब देखिए ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग डॉक्टरी पेशा में नहीं जा रहे हैं, इवन डॉक्टर के भी रिलेटिव चाहे सन लड़के लड़कियां जो भी हैं वो नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो इतना त्याग करना है, इतना पढ़ना है, और उसके बाद रिटर्न भी नहीं है, उससे उसे मार खाना है, उससे दूसरे पेशे में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। अगर सरकार इस तरह से नहीं चेतेगी तो आगे आने के दिन में डॉक्टर गांव क्या शहरों में भी नहीं मिलेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं, कितने डॉक्टर कितने सुरक्षित हैं? देखिए डॉक्टर तो सुरक्षित नहीं हैं हम लोग, और डॉक्टर हम लोग का IMA का बहुत समय से मांग चला रहा है कि एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि पूरे देश में एक तरह का एक्ट रहे। क्या है कि कानून तो पहले भी अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि डॉक्टर के अगेंस्ट में 302 नहीं लगाना है बिना मेडिकल जांच के, चाहे कोई भी बिना जांच के 302 नहीं लगाना, लेकिन धड़ल्ले से लोग लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कानून का राज तो है नहीं, देश में कानून से कुछ काम तो होता नहीं, तो हम लोग फिर भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि
हमारे देश में एक ही कानून हो और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, अस्पताल को सुरक्षा दिया जाए और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। कितने सुरक्षा अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।